ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उन सब की जिंदगी एकदम मस्त कट रही थी। फिर एक दिन हमारा हीरो अपना स्कूटर लेकर रात के समय कहीं निकला। एक तो रात का समय था, ऊपर से चारों तरफ सन्नाटा, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। फिर अचानक से स्कूटर वहां रुक जाता है। इधर हमारे हीरो की डर से हालत खराब, फटाफट स्कूटर चालू करने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां पे एक खंडर था जो रात के अंधेरे में और खौफनाक लग रहा था। तभी उस खंडर से किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है। हमारा हीरो बिल्कुल हैरान हो जाता है, लगता है किसी की जान खतरे में है, मुझे अंदर जाकर देखना पड़ेगा। जैसे ही हमारा हीरो खंडर के अंदर पहुंचता है, घर किसी शानदार महल से कम नहीं लग रहा था। इधर वो हैरान था ये सब देखकर। इतने में बेहद खूबसूरत एक लड़की उसके पास आती है। उसकी खूबसूरती देख उसका दीवाना हो जाता है। कुछ देर में ही सुबह हो जाती है और हमारा हीरो अपने आप को जमीन पे पाता है। वो हैरानी से इधर उधर देखता है और सोचने लगता है, कल रात को तो मैं किसी राजमहल में था और सुबह इस खंडर में। फिर वो वहां से जैसे ही बाहर निकल रहा था, उसकी नजर एक खूबसूरत से पेंटिंग पे जाती है। अरे यही तो थी कल रात, मगर रात तो जगह कुछ और थी, शायद कोई बुरा सपना देखा है। इतना बोलकर हमारा हीरो तो वहां से चला जाता है। फिर घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी सारी बात सुनने के बाद थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, जैसे सारी बात उसे पहले से ही पता हो। इधर उसका पति निकला काम पे, उधर उसकी पत्नी पहुंची एक तांत्रिक के पास। उसे सब पता चल गया गुरुजी, उसे सब पता चल गया, मुझे बचा लीजिए गुरुजी। दूर हो जा मेरी नजरों से, मैंने कहा था तुझे हर बुरे कर्म का फल तुझे यही भुगत के जाना पड़ेगा, और तूने पाप नहीं महापाप किया है। गुरुजी मुझे बचा लीजिए, गुरुजी मुझे बचा लीजिए। हट यहाँ से, छोड़ मुझे, चली जा यहाँ से, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। वो निराश होकर वापिस अपने घर आ जाती है। रात के 10 बज चुके हैं, मगर हमारा हीरो अभी तक वापिस घर नहीं आया। इस बात से उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। वो रात भर इंतजार करती रही उसके वापिस आने का। जब वो सुबह तक वापिस अपने घर नहीं आया, तब उसकी पत्नी फटाक से छोटे तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। गुरुजी मेरे हस्बैंड रात से घर वापिस नहीं आए, प्लीज आप कुछ कीजिए गुरुजी, मुझे डर है कि उस चुड़ैल ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया। मैंने तुझे मना किया था ना वापिस आने को, फिर क्यों आई? गुरुजी मेरे पति की जान खतरे में, गुरुजी इसे बचा लीजिए। तेरा पति? तू अपने किए हुए पाप भूल सकती है, मगर ये दुनिया नहीं। चल मैंने फिर भी तुझे एक मौका दिया, तुझे वापस उस खंडर में जाना होगा। उस खंडर में जाने के बाद तुम देखोगी एक खूबसूरत पेंटिंग होगी वहाँ, शायद तुम उस पेंटिंग को देखकर पहचान जाओ कि किसकी है। ये मत भूलना, वो पेंटिंग ही उस चुड़ैल का घर है, तुम्हें उसी पेंटिंग को तोड़नी होगी। और हाँ याद रहे, उस पेंटिंग को तोड़ने का काम सूरज के रहते रहते हो जाना चाहिए, रात के अंधेरे में नहीं। धन्यवाद गुरुजी, आप धन्य हो, धन्य हो। चल अब दूर हो जा मेरी नजरों से।